मार्केट है और अब यहाँ पे रुद्राक्ष माला वगैरह भी आप खरीद सकते हो। और यहाँ पीछे देखिए फूल वगैरह पूजा का चढ़ावा भी मिलता है यहाँ पे, और बहुत बड़ा है मार्केट पीछे से भी और उधर बड़े लंबा है, बहुत लंबा है। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी है, मिठाई वगैरह मिलती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त जय मिस्त्री, और मैं फिलहाल हूँ अभी काठमांडू के ठामिल रोड पे, और मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक अच्छा और बढ़िया काफ़े में जिसका नाम है मैत्र काफे, काफे मैत्रा। ओके, तो चलो मेरे साथ, हम यहाँ से जाएंगे। दिस इज़ द मैत्र काफे, और ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट बुक करवा दिया है मैंने, और अच्छा वाइब है और इतना अच्छा गार्डन है, सो यू कैन कम एंड एंजॉय योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो योर बार। ये मेरा ब्रेकफास्ट है जो कि मुझे पड़ता है 300 में। हेलो, सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं जा रहा हूँ अपना कोविड का टेस्ट, कल करवाया था ना, तो उसका रिपोर्ट लेने जा रहा हूँ ऑनलाइन। वैसे मैंने ऑनलाइन देख लिया है, उन्होंने मुझे आईडी प्रोवाइड की थी और आईडी पासवर्ड डाल के मैंने देख लिया है, तो रिपोर्ट इज़ नेगेटिव, बट एयरपोर्ट के लिए ओरिजिनल तो चाहिए, तो इसलिए मुझे लेने जाना है जो, और जो है कमल पोखरा में जहाँ पे मैंने कोविड टेस्ट कराया था, तो जगह चीप एंड बेस्ट है और जल्दी हो जाएगा आपका टेस्ट। चलो देखते हैं और क्या प्राइस है, मैं आपको बताता हूँ उधर जाके। गाइस देखो, ये काठमांडू का सुबह का नज़ारा, वेदर इज वेरी स्पॉटी एंड आज थोड़ी सी ठंडी भी लग रही है यार, पूरा साउथी के चले बहुत ज़्यादा है। और आज तो सैटरडे इन लोग का नेशनल हॉलीडे होता है, हमारे यहाँ संडे होता है। और ये देखो, ये कमल पोखरा आ गया है, कमल पोखरा रोड, यही बोलते हैं ना, कमल पोखरा पूरा रोड, कमल पोखरा। सामने सामने, हाँ। तो गाइस देखो, हम आ गए और ये नियर बाई में लोकेशन है प्राइम बैंक, और उसके बाजू में सेंट्रल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, और वहाँ पे मैंने कोविड टेस्ट करवाया है। तो चलो, अरे आ गया। और एक बात बताना चाहूँगा, मैंने थामिल रोड से कैठो बुक करवाया था बाइक स्कूटी, जो जिसका किराया है 60 रुपीज़ एनसी। कोविड टेस्ट करवाना हो तो बिल्डिंग में आपको सातवें वाले पे जाना पड़ेगा, अगर रिपोर्ट लेना है तो फर्स्ट फ्लोर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोविड टेस्ट मेरा हो चुका है और नेगेटिव हो गया, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं अभी जा रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर, और जिस दिन आया था उसी दिन तो मैं गया था, लेकिन वो नाइट व्यू आपको दिखाया था और दर्शन दिया, आरती मैंने दिखाई थी, आज मैं आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगा। वैसे इधर की मॉर्निंग 11 बज गए अभी तक, तो चलो देखते हैं। और मैं वही पठाऊ बाइक से मैं जा रहा हूँ, और ये जो बंदा था उसने मेरा वेट किया, मैंने बोला था कि मैं अभी रिपोर्ट लेके आता हूँ, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, उन्होंने मेरा 15 मिनट वेट किया और हम चल रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर। सो गाइस देखो, मैं आ गया हूँ मंदिर पे, और मंदिर से जाने का रास्ता उधर का मेन गेट वो बंद है अभी फ़िलहाल के लिए, और हम अभी जाएंगे
जूते चप्पल उतारने जो इन्होंने बनाया है स्टॉल। हाँ, मेरा ड्राइवर जो है मुझे शॉर्टकट रास्ते से लाया था, तो मैं आपको पीछे से दरवाजे से लाया हूँ। सब यहाँ पे जूता रखने का काउंटर है, तो हम रख देते हैं। जूता रखते हैं ना तो ये टिकट देते हैं अपने को, तो टोकन नंबर जो जूता रखा है भाई, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये चीज़ मैंने 50 रुपये की ली है, फूल प्रसाद और दिया। तो गाइस, तो ये रहा मेरे पीछे मंदिर है पशुपतिनाथ जी का, और मैं जा रहा हूँ अंदर। अंदर वीडियो शूटिंग और फोटो अलाउ नहीं है। गाइस, हम मंदिर का माहौल इतना अच्छा है ना कि मुझे इधर से जाने का मन नहीं करा, और ऑलमोस्ट मैं अंदर 2 घंटे आराम से बिताया हूँ अभी। इतना अच्छा लगता है ना कि आप भी आए और एंजॉय कीजिए यहाँ का माहौल भोलेनाथ के दरबार में। देखिए, मंदिर के बाहर का मार्केट है, और अब आप यहाँ पे रुद्राक्ष माला वगैरह भी आप खरीद सकते हो, और यहाँ पीछे देखिए फूल वगैरह पूजा का चढ़ावा भी मिलता है यहाँ पे, और बहुत बड़ा है मार्केट पीछे से, और उधर बड़े लंबा है, बहुत लंबा है। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा रेस्टोरेंट भी है, मिठाई वगैरह मिलती है। और देखते रहिए आप, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए पूरा मार्केट है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जय मिस्त्री। आज मैं जा रहा हूं यहां से काठमांडू से, और ये जगह को छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन बट जाना पड़ेगा। और यहां मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल एंड सोलो ट्रिप ख़त्म होता है ऑलमोस्ट यहां से, क्योंकि मैं इधर से जा रहा हूं, और मेरी फ्लाइट है 3 बजे की, तो मुझे 12 बजे तो निकलना पड़ेगा। सो गाइस, दिस इज एंजेलिना। इन्होंने मेरे लिए सुबह में ब्रेकफास्ट बनाया था, और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारा फर्स्ट था। और याकेत याक में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीट द सुजीत, तो दैट्स अ गिटारिस्ट, या तो वो बहुत ही अच्छा बंदा था। उनके साथ मैंने नाइट लाइफ एंजॉय की यहाँ के पब में, जो फेमस ऑफ नेपाल LOD, लॉट्स ऑफ ड्रिंक्स, या वो मैंने 3 बजे तक यूज़ की, 3 बजे तक पार्टी की थी। दिस इज़ द याकेट याक। और यहाँ पे सब लोग आते तो कुछ ना कुछ लिख के जाते हैं, लाइक दैट।
अपनी स्टोरी, अपनी कहानियाँ तो देख लो आप। और उसी तरह मैंने भी कुछ मेरी स्टोरी, मेरी कहानी मैंने लिखी है यहाँ पे ऑन द टॉप। आप देख सकते हो जो पोर्ट्रेट बॉक्स है उसमें ऑन अ इंडियन मैन हैव होप अनएक्सपेक्टेड अनप्लानेड नेपाल एंड दिस इज द माई चाइनीज फ्रेंड फॉर वन डे इज नाउ बिजी सो वी कैन टॉक लेटर बाय या हाँ फिर मिलेंगे दोबारा जब ऊपर वाला ने चाहा तब। सो तब तक सोशल डिस्टेंस बना रहेगा या। सो गाइस मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट और आई थिंक अनएक्सपेक्टेड अनप्लानेड जर्नी सक्सेस रहा मेरा इधर। सो गाइस एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट दिखाऊंगा कैसा है, तो दिखा पाऊंगा तो दिखाऊंगा वरना तो तब तक लिए बाय। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नया चैनल है और ये मेरा न्यू चैनल है और कुछ गलती हुई तो छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। और अगर आप सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे लाइफ में कुछ और भी कुछ कर पाऊँगा। यहाँ से तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है आगे तक से और भी बहुत सारे देर करूँगा दुनिया की। बट आई नीड योर सपोर्ट तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे मुझे जितने भी लोग मेरे यहाँ नेपाल के बीच में सब ने मेरा सपोर्ट किया, सब ने मेरे साथ एंजॉय किया तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ के नेपाली लोग बहुत ही अच्छे और करिया भी इंसान हैं तो उनको मुझे बहुत ही और अच्छा लगा। मेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू का, नेपाल का, नेपाल काठमांडू का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। सो गाइस ऑलमोस्ट 7-8 घंटे के बाद मेरी फ्लाइट आ चुकी है। फ्लाइट डिले थी बिकॉज वेदर कंडीशन अच्छी नहीं थी कि क्योंकि नेपाल में कुछ फॉरेस्ट में आग लगी थी और तो उसी वजह से विजिबिलिटी कम थी नेपाल के काठमांडू में। और 2-3 दिन से वेदर भी वही माहौल थोड़ा ख़राब था, वेदर स्मोकी हो रहा था, फॉगी क्या बोल रहे वो जो आप समझ में आए, तो उसी के कारण फ्लाइट लेट थी। और मैं तो अब एयरपोर्ट पे आ गया था तब जाके पता चला मेरी फ़्लाइट लेट थी और फाइनली मैं अब घर जा रहा हूँ। यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके मैं सीधा अपने होम टाउन सूरत पहुँच जाऊँगा। यस तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए सफ़र में। इस सफ़र का अंत ही समाप्त होता है। और हाँ गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप अब मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इधर मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आ जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो और डेली का ट्रैवल अपडेट ले सकते हो और अच्छी अच्छी फ़ोटो भी देख सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नए सफ़र में।